बीच में समा फिल्म महाराजगंज साजन भाई की देख रेख में हम गायक कलाकार भुजन साहनी एवं पार्टी भक्तिरस से विराह प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भूमिका के लाइन हो कीर्ति अमर जग में संतों की होती, कीर्ति अमर जग में संतों की होती, जलवा जलधि के पटल पे लहरती, खिलते खुदाई के नूरे नजारे, पताका धर्म का गगन में फहरती, गुणगान गरिमा की गाती दिशाएं, भक्त भाव थे ईश्वर में विश्वास था, कभी सीताराम शिरोमणि वे संतों में थे, धाम काशी धवल नाम रविदास था। काशी के पवित्र पावन धरती पर श्री गोवर्धनपुर मोहल्ला से एक गरीब परिवार में और एक पुत्र पैदा होता है। पुत्र न पैदा होने के पहले माँ को बड़ा खेद था। माँ भगवान सूर्य की आराधना करती है, भगवान सूर्य की अनुकंपा होती है, कृपा होती है और माँ का सपना साकार होता है। एक लाइन की कविया पानी में आग लगाने की बात तो है, पानी में आग लगाने की बात तो है, जलने की बात है या जलाने की बात है, संकेत हो गाना के अंदर भाव लगल। आज गुलशन गुलशन, आज गुलशन गुलशन सजाने की बात है, आज गुलशन गुलशन सजाने की बात है, सुनने की बात है या सुनाने की बात है, शहर के संगत हो यही से कथा शुरू बा। श्री गोवर्धनपुर महान धाम काशी में मिली एक दिव्य ज्योति आ गया की बासी में, संतोष दास नाम काशी में परिवार रहा, सुशील कलसी देवी का सुना संसार रहा, एक दिन सूर्य सा प्रकाश पुंज आया है, दमकता तेज माँ के दामन में समाया है, अरुड़िया भासी छटा माँ खुशी में झूम उठी, समय से लाल पाके मुख अधर को चूम उठी, अधेरी कुटिया में मानो रवि का प्रकाश हुआ, अधेरी कुटिया में मानो रवि का प्रकाश हुआ, बड़ा होनहार चल के नाम भी रविदास हुआ, बड़ा होनहार चल के नाम भी रविदास हुआ।
आप वार्ता सुन ली, कथा क्लियर हो जाई। श्री गोवर्धनपुर मोहल्ला में काशी के पवित्र पावन धरती पर माई कलसी की आराधना पूजा पर भगवान प्रसन्न होते हैं। माँ आंख मूंद करके भगवान सूर्य से आराधना कर रही थी, उसे एहसास होता कि हमारी गोद में बच्चा खेल रहा है। माँ की नींद खुलती, आंख खुलती है, घर पर आती है, गर्भ धारण होता है, समय से पुत्र पैदा होता है। कभी का कहना है कि अरुण आभासी छटा, अरुण माने लाल, एक लाल रंग होला, एक लाल माने बेटा होला। अरुण आभासी छटा माँ खुशी में झूम उठी, समय से लाल पाके मुख अधर को झूम उठी। अधेरी कुटिया में मानो रवि का प्रकाश हुआ, अपना होनहार चल के नाम भी रविदास हुआ। रवि माने सूरज, माने सूरज, तो उन्हीं के अनुकंपा से पुत्र पैदा भेल, तो बच्चा का नामकरण रविदास भेल। बच्चा कभी बचपना बा, लेकिन भगवान के आस्था बा, भगवान में आस्था बा। काशी के नगरी में एक पर्व लगल बा, बच्चा घर से निकल गेल बा और कहां गेल बा, एक लाइन भोजपुरी के गीत बा। हारमोनियम पर मास्टर संकेत दे थोन उ है, अरे गोरिया के गोरे गोरे गाल, गोरिया के गोरे गोरे गाल माल जैसे रसगुल्ला। बच्चा के अंदर भगवान के प्रति भक्ति की आस्था बा, श्रद्धा बा। घर से निकल दे थोन, कहा जा थोन, भावना भर लया बिलास, भावना भर लया बिलास दास काशी में। स्नान करके घाट पर अपन भगवान के सुमरन शुरू कर दल। इतने में काशी के विद्वान पंडित पंडा सब देखने की, अरे ये बालक अपरिचित बालक कहाँ का हो, कौन जाति है, सबसे पहले पूजा में लग गई। तो बच्चा का परिचय पूछल जा, सब ब्राह्मण पंडित विद्वान घेर के बच्चा से परिचय पूछत हो, सो ठीक लाइन भैया। को
के लाइन बा बाप। चमार शब्द सुनते भर में लोगन के शरीरिया में कुभाव पैदा हो गया कि छिया छिया काही पापी कारे आपा माना मोरे राम नहा के पूजा कर रहा था आज तो गंगा के घट में दूषित हो गई कल बच्चे को दरबार में पेश किया जा दरबार में बुलवा के और हे दृष्टि से गिरे हुए सबसे उच्चारण कर फोन क्या कि तू जब चमार बालक रहला ते संत महात्मा के आत्मा पर ठेस का है मिलना ये ब्राह्मण विद्वान के नगरी है काशी और तू चमार होके पहले नहा ले ये बात कहकर का नाम है वीर सिंह राजा का बाबा लोगन के पक्ष में वो बच्चा के दलील कर फोन एक लाइन फिल्म का गीत बा फिल्म के नाम बा सुनम लगे बाज बलमा
संकेत हो, लेकिन यही भाव में वीर सिंह जाओ बच्चा से कहलो काहे सुनान के लजती अच्छी पाकी बाबूजी, वो बच्चा राजा के सामने बड़ी मधुर वाणी में बोले कि सरकार अगर हम चमार बालक हैं तो चमार आदमी ना है। कहे रविदास सम मानो कजतिया जाति शब्द केवल मानव पर लागू होला, अन्यथा आपकी जो शोभा शोभनी नाबा कहे रविदास हम मानो के जतिया एक ही पिता के बनावल जगतिया कहे पशुओं में जाति होले तू न मन लाई के सरकार मानव जाति एक जात है मानव जाति और जाति शब्द जानवर में लगेगा जानवर होते हुए भी आत्मा सब में एक तब तक क्रोध में आके विप्र सिंह और विप्र सब बोल पलन पहले का विप्र सिंह वीर सिंह और विप्र सामूहिक रूप से बच्चा के जलील करते हैं गीत लगल दुल्हा गजेड़ी हो गेल बा बेचारी खेते की ओर गेल बा कहीं गांजा के पेड़ मस्ती में हिलता गजवा के भोर अखबारी धई के बैठ गई और यह कहलस की आई रे गजवा अरे आई रे गजवा असैया भइला ना से बजवा के संकेत बा लेकिन बच्चा पर लोग प्रहार करता शब्द से हाई रे पतिया क्या कहलो कि हाई रे पतिया कैसे मिली नीचे जतिया हाई रे पतिया
और विप्र कहले का, अरे गंगा यो गाड़ ही समान नाई होई है। अपने के लोग ऊंचा संबोधित करता गंगा यो गड़ ही समान नाई होई है, अरे सागर से सूत ही मिलान नाई होई है, सूत ही मिलान नाई होई है, अरे चंदवा से तरई चंदवा से तरई सूरजवा से रातिया है रे पति। इतनी बड़ी आपन संज्ञा दो कि चंदवा से तरई सूरजवा से रातिया है रे पतिया, आ कैसे मिली नीचे जातिया है रे पतिया, सब लोगन के बात के सहन करत हुन, जे कुछ भी बोलता सबके सहत हुन, अंतोगत्वा चांस लेके बोलन, का बोलन के संसार में महान का है, सबसे महान का है। एक लाइन गीत लग भैया, संकेत होता हारमोनियम पे बदनामी हो
रविदास जब क्रोध आ गेल, अब सहले के क्षमता ना रह गेल, ऐलान कैलन सरकार अगर एक चमार से नफरत ना तो यही दरबार में परीक्षा होई, जे सबसे महान ठहरी वो ऊंचा स्थान मिली, इसी राज दरबार में होगी। अरे मजा हम भरी परीक्षा, आज जो हारे काशी भर ठोवे मान गुरु ने दीक्षा। कले यही विचार के और ज्ञान के अजमाइश होई, जेकर शक्ति महान होई ओकरा जही दरबार में ऐलान होता, जे हारी वो अपने कंधे पर जीते वाले के बैठा के पूरे काशी में घूमी, पद यात्रा निकली, अंत में जीते वाला मंचासीन होई, प्रवचन करी, आम लोग नीचे बैठ के श्रवण करी, अंत में वह जीते वाला सबके दीक्षा दे। दीक्षा का मतलब ज्ञान, शिक्षा तो सांसारी पढ़ाई है ना, किताब पुराण पुराण बाइबल अंजिल गीता ये सारी संसारिक पठन पाठन है, लेकिन दीक्षा बड़ी ऊंची चीज है कि जो बात दवा से हो सकी वो बात दुआ से होती है, जो बात दवा से हो सकी वो बात दुआ से होती है, जब कामिल मुर्शद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। वो दीक्षा के देला समय के रहबर, समय के रहनुमा, समय के पीर, पीर के मतलब बुझे ना कि मंजिल से पहले जो थक ना सके, मंजिल से पहले जो थक ना सके राहगीर उसी को कहते हैं, जो खुद में खुदा को दिखला दे पीर उसी को कहते हैं। आज वही ब्रह्म ज्ञान के वितरण करी, वही इलाही इल्म के वितरण करी जे विजयी हुई। ये भैया तब तक एक थे पंडित जी, बड़ी तीव्र गति से सभा से निकलन, एक मूर्तिकार के पास जाके निवेदन के दो छे मूर्ति मंगलन, एक थे पत्थरे के एक थे काठे को, और ला के आम सभा में कहने की देखा चमारे के जात बहुत बुलंद हुआ, परीक्षा के घड़ी आ गई, ला देखा के मूर्तियां फेंक देना पानी में। रात दरबार के सामने पोखरा रहा, एक थे पत्थर के मूर्ति कन्हैया जी की, वो पत्थर की मूर्ति पानी में डूब गए जमीन पर चल गई, लेकिन लकड़िया के पौरा था वही लकड़िया वाले मूर्तिया के बाबा हाथ जोड़ के बुलाओ थे, तो हिलकोरा से किनारे लगभ कर बाबा बड़ी जल्दबाजी के निकला गीत हो भैया। हारमोनियम माइसोर हारमोनियम से संकेत देत हूं, अरे सवनवा में कजरी कोने दुल्हनी के दुल्हा परदेश में अवगत करावत हुआ कि सावन में जरूर चलिए यहाँ, अरे सवनवा में कजरी, सवनवा में कजरी अखेले हरा जाओ संकेत हो, लेकिन बाबा मुरतिया के बुलावत हो तो लकड़िया का मुरतिया करीब आये, ओके अवही के बजब लकड़ी के ऊपर वो अरे कमाल कैले बाभना, कमाल कैले बाभना अचले मुनिराई हो जाके राजा ना मुरत
से लगा के अपने के बाबा ही लुटत हुवन और ऐलान कैलन ये रविदास अगर भगवान वाला हुआ तो तुहार हिस्सा बनिया में एक मूर्तिया बनिया में बा भगवान वाला हुआ तो बोला था धंधे हो भक्त और भगवान एक लाइन गीत लगल भैया जिया भैया जिया संकेत बा लेकिन रविदास आंतरिक आत्मा से भगवान के याद करत हूं कि हे प्रभु आपके संसार में बड़ी बड़ाई सुन गेल की भक्तन के उबार ले ली तो आज परीक्षा के घड़ी बा आवाज देत हूं कि भावना भावना भरी के भगवान के विशेषता के बखान कर थोन के धरा धाम पर केकर के कराब सुन ली के तरलीम आरे गज के धका निकाया जामिल के तुतारा आरे गज के धका निका जामिल के तुतारा आरे अनाथों के नाथ हमारी सुधिया बिचारला शक्ति भगती में कितना बा बताव ले शक्ति भगती में कितना के धरती पर जे भी विद्वान रहल जे भी हस्ती रहल ए दृश्य के देखल कौन दृश्य कि जोन पथरा के मूर्तिया पानी में गिर के माटी में धस गई रहल उ पनिया के ऊपरी भाग पर नाचत हो मालिक की कृपा न कि निर्जीव मूर्ति एक निर्जीव मूर्ति भगवान के आराधना पर पुकार पर पनिया पर नाचत ऊपर हो गए और सरोवर के किनारे पहुंचल रविदास जाके सहर्ष उठा के छाती से लगा ले दृश्य के देख पूरे काशी के नगरी में एक
ऐसन का चमत्कार भइल कि निर्जीव मूर्ति और नाचत सब हस्ती लोगन के चेहरा फीका हो गए, जे अपने के बड़ा बनाओ दलहन चेहरा धूमिल हो गए, बिरहा के भाव लगन भैया। अरे सितारे गम के गर्दी सुने पड़ी के गर्दिश में पड़ी, अरे निकली नवल ज्योति नभ में मुस्काते तारे, विरह प्रेमी शर्त रहल पहले से कि जे जीती उ कान्हे पर बैठी, जे हारी उ कान्हे पर बैठाई, रविदास के हो चमार बालक के लोग विद्वान कान्हे पर बैठा की, पूरी काशी का पद यात्रा जुलूस निकलल, अंत में फिर दरबार में उपस्थिति भेल, उ बच्चा गद्दी पर विराजमान होत हन शर्त के मुताबिक और प्रवचन देवे खातिर पहपट के लाए। संत शिरोमणि राम भरोसा भारी न्यारी भगति बा, करे कल्पना को टूटी बे बिचारी न्यारी भगति बा, दरबार में गईले आई हो, सत्संग की पुलकित भय फुलवारी न्यारी भक्ति बा, सत्संग की पुलकित भय फुलवारी न्यारी भक्ति बा, बैठ गए प्रवचन संत पुजारी। रविदास जी मंच से बड़ी ऊंची बात बोलना कि मानव जाति एक दुनिया में, कि मानव जाति एक दुनिया में और प्रथम संत की शिक्षा हो। मानसकार शिवरी के नौधा भक्ति में लिखले हुए कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, भक्ति का शुभारंभ सत्संग से शुरू होता है। तो रविदास कहते हैं कि मानव जाति एक दुनिया में और प्रथम संत की शिक्षा हो, छुआ छूत नीच ना जात पात की दीक्षा हो, अरे ज्ञान भक्ति पूजा के सब अधिकारी न्यारी भक्ति बा। गुरुगद्दी की आवाज बा राजा वीर सिंह के दरबार में किया सरकार, ए विद्वान ब्राह्मण देवता कान खोल के सुनला किए धराधाम पर जे भी आई बा, पूजा पाठ भक्ति के सबके अधिकार बा, अरे ज्ञान भक्ति पूजा के सब अधिकारी न्यारी भक्ति बा, अरे हरि के भजिला हरिजन सब नर नारी न्यारी। लाइन से रविदास जी बताओ धुन, बाबा
पूरा करे के बाद मानव जीवन के सार का है, मालिक के पहचान, भगवान की जानकारी, साधना कथा कि मनुष्य देही मालिक के प्राप्ति के एक साधन। गोस्वामी लिखलन कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाय न जेही परलोक समा। वो जिंदगी आकारत है, बेकार है, जे मनुष्य देही पाके मालिक के प्राप्ति ना कर ले। तब तक एक थे पंडित जी कहलक आए रविदास बहुत बोल गया चमार बालक बभनन के पीछे मन के ब्राह्मण हई ब्राह्मण हई। रविदास कहना ब्राह्मण हुआ तो मतलब कल तुहू जने उपकाल तुहू ब्राह्मण बन जा तब उच बोलिया। तब लेके रविदास कहना बाबा तनी करीब आ जा अपन उ सर्टिफिकेट दिखा दा कि जोने तू ब्राह्मण हुआ। बाबा जी बड़ी हर्ष के साथ रविदास के पास अलन और दिखौले का खड़ी के लाइन में कि बाबा कौन चीज है जो ब्राह्मण हो गया। दूज के परिभाषा तनी हमें बतलाइबा। तू लोग कहला कि दूज हो गई दूज हुई तो दूज के परिभाषा का है। दूज के परिभाषा तनी हमें बतलाइदा आ ब्राह्मण पहचान के निशानिया देखा। कले अपन ब्राह्मण के पहचान दिखा दा हम चेला हो जा गुरु हो जी। अरे गुरु मानव चेला तू बनावा बाबा जी तोहर कैसन वचन हुआ देखावा बाबा। जल्दी से बाबा हाथ पे सुने और तीन ताक के जनेऊ लगे देखा देखा। अरे वाह हमरी ब्राह्मण के ये सूत्र हो ब्राह्मण पहचान। अरे ब्राह्मण तीन ताक के जने ऊचक दिखाए ब्राह्मण तीन ताक के जने ऊचक दिखाए अब भैल संस्कार दूसरे जन्मावा बता। रघुदास जी हंस दहलो कहले कि बाबा बहुत अन्हारे बोलत हुआ रोशनी में ना हुआ अंधकार में हुआ। अरे कहे रविदास बनावा बाबा जी। बाबा इ जनेऊ तू पहिन के ना आयल इते तुहार भाई बंधु बिरादरी पहिना के तुहे बाभन बनौले बा। लेकिन
मान हुआ बाबन और ब्राह्मण में जमी आसमान के दूरी बहुत फर्क बा। कहे रविदास अरे ई बनावा बाबा जी तोहर कैसन बाजन एक मिथ्या बनावत हुआ झूठ बनावत हुआ तुम्हें जने देखाता जो भगवान जने पहनोले हो रविदास कहे दानल और जनावल चाहत हई कि मालिक खुद जेके जने पहना के भेजले होई उहे ब्राह्मण हो कल तो देखा दो धन्य हो सामर्थ धन्य हो सामर्थी पुरुष ओह विद्वान ब्राह्मण की मंडली में राज दरबार के बीच में रविदास आंतरिक आत्मा से मालिक का स्मरण करके और हाथ सीना पर लगोलन दोनों हाथ से सीना के चीर दोलन और सीनवा चीर के हथवा पेश के नौ ताक खींच रहे सीनवा के फार चट दिए दिखलाई अरे भीतर नौ ताक के जने उरहल ब्राह्मण लोगन के मुखारबिंद से एक जय घोष महल रविदास के शक्ति सामर्थ के भक्ति के जय घोष महल लोगले दीक्षा देवे ज्ञान ब्राह्मण के मंडली में एक जेके लोग चमार कहत अनु शिक्षा देवे दीक्षा शिक्षा ज्ञान दह अरे चरण धै के क्षमा दान पावा बाबा जी सब लोग नतमस्तक हो गए अपनी गलती के लोग क्षमा याचना करे लगे कि रविदास हमन से बड़ी भूल भेल हमन पहचान न पोली हीरा के अरे जाओ भाई के क्षमा दान पावा बाबा जी तोहर कैसन वचन उड़ा देखावा बाबा के आखिरी लाइन गुरु पर चे लगल गुरु बिहारी गुरु राम लगन कहे चमका संत सितारा सुबेदार कवि सीताराम जय जय रविदास का नारा हो अरे सितारे गम के गर्दिश में पड़ी